हे गाइस, एग्जाम से हेलो एंड वेलकम बैक टू तेज ऑटो कार। इस चैनल पर आपको कार से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। आज जो हम गाड़ी की बात करेंगे वो है टाटा नेक्सॉन ZXi प्लस मॉडल। ये टाटा नेक्सॉन है जो SUV सेगमेंट में आती है, 4 मीटर सेगमेंट में आती है। तो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है डिटेल पे, जो कि हम गाड़ियों के बारे में डिटेल करेंगे। बात करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन की। पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की, इसमें आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा और रेनो की तरफ से भी आती है। रेनो के ड्राइवर तो सनसेट हो गई, और एक और आती है निशान मैगनाइट आती है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, बेल भी आती है हुंडई की तरफ से। आज हम टाटा नेक्सॉन के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो बात करें अगर हम गाड़ी की डायमेंशन की, बात करें पहले गाड़ी के डायमेंशन की, तो ये जो आपको देख रहे हो, बात करें अगर हम डायमेंशन की लेंथ की बात करें तो 3993 mm की मिलती है, और लेंथ की बात करें तो 1811 mm की मिलती है, और हाइट की बात करें 1606 mm की मिलती है। और बात करें अगर अपन इसके बूट स्पेस की, तो 350 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है इसमें 5 लोगों की। और बात करें इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की, 209 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, और व्हील बेस की बात करें 1230 kg का मिलता है, 2498 mm का इसका व्हील बेस मिलता है। और वेट के वो अगर गाड़ी के वजन की बात करें तो 1230 का मिलता है। और अगर अपन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो इसमें पावर स्टेरिंग, पावर विंडोज, फ्रंट विंडो, पावर विंडो, एयरबैग। आपको ऐसा पता होगा कि ग्लोबल के ऐप में इसने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। और अगर बात करें इसकी फ्यूल कैप की, तो ये आपको पेट्रोल डीजल में मिलती है, 17 से 18 का इसमें माइलेज देखने को मिलता है, और ये V6 का आपको पता ही सब। और अगर अपन बात करें इसकी टर्निंग रेडियस की, तो 5.11 का मिलता है, जो ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। अगर अपन बात करें इसमें इंजन की, तो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रिमूवेबल इंजन मिलता है 1199 cc का। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें इसमें 118.35 bhp की टॉर्क मिलती है, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 170 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है। 3 सिलेंडर का इंजन है। और अगर बात करें इसकी, इस ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिलती है। गियर बॉक्स की बात करें तो सिक्स स्पीड इसमें मैनुअल गियर बॉक्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। और क्या बताता है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, और अगर इसमें बात करें टायर साइज की, तो 250 R60 के इसमें टायर मिलते हैं, और स्टैंडर्ड इसमें 16 इंच की मिलती है। और अगर अपन बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 17.78 cm पूर्ण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। इसमें 8 स्पीकर और SMS सब मिलता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। और अगर अपन बात करें इसकी टाटा नेक्सॉन ZXi प्लस की प्राइस की, तो 1,60,900 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस है। जैसे कि मैं आपको और भी कन्फर्म करके बता देता हूँ पूरी प्राइस। इसकी 1,60,000 रुपये ऑन रोड, और अगर एक्सोरूम में, सॉरी, और ऑन रोड क्या, अगर आपको आपके स्टेट पर अलग अलग स्टेट में टैक्स लग सकते हैं,
आपको पता चल जाएगा ऑटो रिप्लेस। अगर ये मेरा पहला डिटेल रिव्यू था, अभी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी ऐसी जब गाड़ी अवेलेबल होगी तब गाड़ी के साथ भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बताना जरूर रिव्यू कैसा लगा, मैंने अपना पूरा एफर्ट्स डालने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।